उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में जनपद हापुड़ में प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। किसी पार्टी में राज्य स्तर के नेता आ रहे हैं तो कभी कहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री आ रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला नगर पालिका परिषद के चुनाव में मोहल्ला कोटला में, जहां पर बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय एक सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां पर उनका फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी व उत्तराखंड प्रदेश के प्रभारी शमसुद्दीन राय ने सभा में बैठी जनता से क्या कहा, सुनते हैं। वोट एक वो रूपी हथियार है, वोट वो हथियार है, अगर आपने सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो आप विरोधी को खत्म कर दोगे, अगर आपने गलत तरीके से वोट का इस्तेमाल कर दिया तो विरोधी आपको खत्म कर देगा। जो बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर ने आपको वोट रूपी हथियार दिया है, ये दो मुही तलवार है। जैसे हमने बताया, विरोधी को अगर गलत इस्तेमाल आपने कर दिया तो विरोधी ताकतवर हो जाएगा, और आपने अगर गलत तरीके से इस्तेमाल कर दिया तो आप कमजोर हो जाएंगे। इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि आप लोग वोट कैसे देना चाहिए, मैं वो आपको बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं, जिम्मेदार लोग हैं। आज हालात पूरे देश और प्रदेश के आप देख रहे हैं, किस तरीके से माहौल पैदा हो गया है, किस तरीके से नफरत की बुनियाद बेशुमार पैदा हो गई है, और किस तरीके से लोग आज इस तरीके से धर्म के नाम से बांटने का काम किया जा रहा है, जातियों को बांटने का काम किया जा रहा है। और इसमें अगर कोई दोषी है, अगर कोई जिम्मेदार है, तो केवल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जो इस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री बने बैठे, आज आप देख लीजिए हालत, ये लोग भारतीय जनता पार्टी जिसको जिससे फायदा होता है उसी को टीवी में देखने का काम होता है, अगर जिस दल से उसको नुकसान होगा उस दल को कभी आप टीवी में देखते नजर नहीं आओगे। आज आप देख लो टीवी उठा के, अगर टीवी में केवल समाजवादी पार्टी के युवराज दिखते हैं या दूसरी तरफ योगी जी दिखते हैं, बीएसपी का कोई भी नहीं दिखता है। कारण क्या है कि बीएसपी क्यों नहीं दिखता? बीएसपी को इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि अगर बीएसपी को दिखा देंगे तो लोगों के समझ में आ जाएगा बीएसपी ताकतवर है, कहीं बीएसपी से जुड़ नहीं जाए लोग, इसलिए बीएसपी को नहीं दिखाते ये लोग। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने हमेशा सुना होगा, मैं सर समाज के साथ साथ मैं मुस्लिम समाज के बुजुर्गों और नौजवानों तुमसे कहना चाहता हूं, आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम समाज को ये कहते हुए समझाने का काम किया था कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, कहा था नहीं कहा था? बताओ, मैं गलत कह रहा हूं? बता दीजिए आप लोग, आप जिम्मेदार बैठे हैं कि सबसे पहले अगर बदनाम किया था, ये कह के बदनाम किया था कि समाजवादी पार्टी ने कह के बदनाम किया था कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की बहुजन समाज पार्टी वी टीम है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद तय कर लेना, आप ये बताओ 2019 में हमने गठबंधन किससे किया था? बताओ आप, लोकसभा का चुनाव हमने किससे गठबंधन किया था? बताओ जरा आप लोग, बताओ किससे गठबंधन था? समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था, नहीं किया था? बताओ किस बुनियाद पे किया था गठबंधन? के दलित समाज का वोट है और अखिलेश यादव जी के समाज का वोट है और मुस्लिम समाज का वोट है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, और दबा कुचला पर काश भी मिल जाएगा। जब चार वोट हो जाएंगे तो हमें कोई हराने से रोक नहीं पाएगा। किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि जो इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर राज कर रही है, इसको पहले हटाने के लिए लोकसभा का गठबंधन किया था कि पहले सबसे पहले देश की गड्डी से भारतीय जनता पार्टी को हटाना जरूरी है, इसीलिए तो गठबंधन किया था, इसीलिए गठबंधन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसीलिए तो गठबंधन किया था?
कि देश से भारतीय जनता पार्टी कैसे हटे। आप ये बताओ, हम दिल की कह रहे, हम बहुत जिम्मेदारी से आपसे कह रहे हैं, जब यहां चुनाव हुआ, जब चुनाव बड़ी पीक पर था तो लोग कह रहे थे गठबंधन की 60 सीटें आएंगी, 65 सीटें आएंगी, 70 सांसद बनेंगे गठबंधन के। हम लोग भी कह रहे थे कि 60 से 70 सांसद बनकर आएंगे और हम इस देश से प्रधानमंत्री मोदी जी को हटाने में आसानी हो जाएगी और बीएसपी के बिगड़ सरकार किसी की बन नहीं पाएगी। लेकिन क्या हुआ, जहां जहां दलित और मुसलमान था, अब मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं, जहां जहां दलित और मुसलमान था वहां तो सांसद आपके बन गए बीएसपी के और सपा के। यहां से दानिश भाई सांसद बने दलित और मुसलमान की बुनियाद पर। वहां से बगल में हमारे मलूक नागर जी बने सांसद दलित और मुसलमान की बुनियाद पर, पिछड़ों की बुनियाद पर। वहां से आपने हाजी फजलुर रहमान सहारनपुर से सांसद दलित और मुसलमान की बुनियाद पर बने। और इतना ही नहीं, आजम खान साहब भी विधायक सांसद बने तो रामपुर में दलित और मुसलमान पे, शफीको रहमान वर्ग बने, एसटी हसन साहब बने, सारे जहां जहां दलित और मुसलमान बड़े पैमाने पे था वहां तो सांसद बन गए। और जहां अखिलेश यादव जी की समाज के लोग थे, जहां अखिलेश यादव जी की समाज के लोग थे वहां भारतीय जनता पार्टी का सांसद बन गया, वहां उनका सगा भाई चुनाव में हारने का काम। धर्मेंद्र यादव कौन हारे बताओ आप, धर्मेंद्र यादव हारे कि नहीं हारे? उनकी अखिलेश यादव की धर्म पत्नी डिंपल यादव भी हारी, राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव हारे, और ऐसे 37 एमपी सेकंड नंबर पर चुनाव हारने का काम किया। अगर उनको इस समाज के वोट अगर वो दे देते तो शायद 65 सांसद हमारे उत्तर प्रदेश से बनकर आते। तो ये बताओ किसने साथ छोड़ा, जहां से तुम लोग जीत कर रही है, जहां तुम्हारी समाज थी वहां तो हम जीत नहीं पाए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने उनकी समाज थी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। तो अब ये बताओ बी टीम कौन हुई, बीजेपी बता दो आप लोग कौन हुई। अब उसके बाद 2022 का चुनाव आया, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप लोग सोच लेना, 2022 का चुनाव आया, आपने इतनी आजादी के बाद आज तक इतनी ताकत से वोट मुसलमानों ने किसी राजनीतिक दल को नहीं दिया था, जितनी ताकत से वोट 2022 में एक एक समाजवादी पार्टी को साइकिल के निशान पर वोट दिया, एक एक वोट देने काम किया कि चलो भाई भाजपा हराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन तुमने तो सपा को वोट दे दिया, लेकिन जो अखिलेश यादव जी के समाज के लोग थे वो भाजपा में वोट दे रहे थे। यहां जहां तुम थे तो तुम जीत गए और जहां उनकी समाज थी वहां भाजपा जीत गई। तो अब ये बताओ बी टीम भाजपा है कि सपा है, कौन है या बीएसपी? मैं गलत कह रहा हूं तो बता दो आप लोग, अगर मेरी बात गलत है तो आप बता दीजिए, मैं आपसे मन छोड़ के चला जाऊं। एक तरफ आप वोट देते हो, दूसरी तरफ अपना बनाते हो, वो आज तक आपको अपनाने में कोशिश नहीं कर रहे, अपनाने को कामयाब नहीं हो पा रहे। इसलिए मेरा कहना है अगर जितनी ताकत के साथ 2022 में वोट समाजवादी पार्टी को दिया है उससे आधा वोट बहुजन समाज पार्टी को दे देना, भारतीय जनता पार्टी की दुकान बंद हो जाएगी। मैं दावे के साथ, भाजपा की दुकान बंद करना चाहते हो तो आपको दलित और मुसलमान गठजोड़ बनाना जरूरी है, पिछड़ा नहीं देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को वोट, पिछड़े समाज का देना नहीं चाहता, ना पाल देना चाहता, ना प्रजापति देना चाहता, ना कश्यप देना चाहता, ना जाट देना चाहता, ना गुजर देना चाहता, यहां तक जितनी भी कुर्मी लोधी कोई वोट देना नहीं चाहता भाजपा को। वो मजबूरी में आके जब सपा की तरफ हमारे भाई जाते हैं एक तरफ होके, तो वो ये सोचता है कि कहीं सपा की सरकार बन गई तो जो हमारा बैकवर्ड का कोटा है वो केवल एक समाज खा जाएगी और हम अधूरे रह जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? वो राजनीतिक तरफ से सोचता है और सोच के वो अपने तरीके से भाजपा के साथ मजबूरन में आके वोट दे देता है। अगर जिस दिन आपने तैयार कर लिया
कि हमें बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना है, एक एक वोट बीएसपी को देना है, तो पाल प्रजापति कश्यप जाट गुजर ब्राह्मण ठाकुर सर समाज के लोग अपने आप ऑटोमेटिक बीएसपी के साथ खड़े हो जाएंगे और भाजपा की दुकान बंद हो जाएगी। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है, कोई और तय नहीं करेगा। आपने 2007 में सरकार जब बीएसपी की बनी थी तो दलित और मुसलमानों पिछड़ों की बुनियाद पर बनी थी और प्रकाश ने भी वोट दिया था। भाजपा की जब 30 सीटें थी, जब 2007 में सरकार बनी थी भाजपा के केवल 48 एमएलए थे, कितने एमएलए थे जरा बता दो आप, मैं और रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, आप गूगल पर सर्च कर लेना, 48 एमएलए थे जब बीएसपी की उत्तर प्रदेश में 2007 में सरकार चली थी। 2007 से 12 तक सरकार जब चल रही थी, कोई भी गुंडे अपराधी और माफिया किस्म के लोग रोडों पर नजर नहीं आते थे, किसी बहन और बेटी की इज्जत और आबरू हिफाजत से रहती थी, कोई दंगे फसाद हुए तो बता दो 7 से 12 के बीच में, कोई हिंदू और मुसलमान का झगड़ा फसाद हुआ तो बता दीजिए, कोई दंगा नहीं हो पाया था हमारी बीएसपी की सरकार में। दंगे होते नहीं है क्यों भाई, जरा बताओ मैं गलत कह रहा हूं, दंगे होते हैं कहीं? दंगे कराए जाते हैं केवल सियासत के लिए, सियासत के लिए दंगे कराए जाते हैं। जहां 48 एमएलए थे बीएसपी की सरकार में, और जब सपा की सरकार बनती है 2012 से 17 के बीच में, वहां 325 एमएलए बीजेपी के जीत के आते हैं। क्यों जीत के आते हैं? कि ये हिंदू और मुसलमान को लड़ा के काम करना चाहते हैं। लेकिन जो लोग करते हैं हिंदू और मुसलमान की बात, भाजपा करती हिंदुत्व की बात, सपा करती मुसलमान की बात, ना ये मुसलमान के हैं ना वो हिंदू के हैं, ये केवल अपनी रोजी अपनी रोटी को सेकने के लिए, अपनी सियासत करने के लिए हिंदू और मुसलमान को लड़ा के सियासत करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी कभी लड़ाने का काम नहीं करती है, कभी झगड़ाने का काम नहीं करती है, बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती मिलाने का काम करती है, ये लड़ा के सियासत करते हैं और वो मिला के सियासत करती है, बस फर्क इतना है, ये लड़ा के सियासत करते हैं, बीएसपी मिला के सियासत करती है, और जब मिलते हैं लोग तो दंगे फसाद क्यों भाई, जरा बताओ आप, मैं गलत कह रहा हूं सही बताओ, अगर कितने लोग मेरी बात से सहमत है जरा हाथ उठाओ भाई, अगर आप चाहते हो दंगे, आप चाहते हो कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर भाईचारा बने, आप देश चाहते हो देश में अमन चैन बरकरार रहे, आप चाहते हो देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी हर धर्म हर मजहब के लोग हर जाति के लोग अमन चैन से रहे, तो आपको भाजपा को हटाना जरूरी है कि नहीं, ये बताओ भाजपा को कैसे हटाओगे? पहला चुनाव कौन सा है? किसी इंसान को अगर कमजोर करना हो, किसी इंसान को अगर कमजोर करना हो, उसके हौसले को पहले खत्म कर दो, उसके हौसले को कमजोर कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएगी। मैं आज बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर आपने आज चारों तरफ सहारनपुर के अंदर ये देख लो, अभी वोटिंग हुई है सहारनपुर के अंदर, एक तरफा खेल हाथी का चला है, एक तरफा खेल हाथी का चला है, अगर इनको वाकई भाजपा को कितने लोग हटाना चाहते जरा हाथ उठा लो, भाजपा को जो लोग हटाना चाहते, अगर भाजपा को हटाना चाहते हो, क्योंकि अब यहां किसी की लड़ाई बची नहीं है, यहां केवल बीएसपी और बीजेपी की हो गई है। आज मैंने ये देखा है जितने भी होर्डिंग बीएसपी के लगे थे, जितने भी होर्डिंग रोडों पे लगे थे जो आप देख रहे थे, आज शाम को सारे होर्डिंग प्रशासन ने हटाने का काम कर दिया, जबकि हम लोग परमिशन लिए थे। क्यों हटा रहे? क्योंकि ये जान रहे कि बीएसपी नंबर वन की पार्टी बन चुकी है, इसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि तुम होर्डिंग हटाओ हमें मंजूर है, लेकिन तुम दिल से नहीं हटा पाओगे जो दिलों पे राज करने वाले काम कर रहे हैं। इसलिए आज ये घबरा रहे हाथी के निशान से, क्योंकि यहां का तो इतिहास रहा, हापुड़ का तो इतिहास रहा है,
कि तुमने एमएलए भी बनाया और चेयरमैन भी अपना बनाया है। एक गठबंधन के हैं, मैंने आपको बता दी। बहन कुमारी मायावती जी ने स्पष्ट कहा कि जिस समाज का वोट नहीं उस समाज का, जब सपा से हमने गठबंधन किया था, आरएलडी से गठबंधन हुआ था। आप ये बताओ, आप दो दलित और मुसलमान खड़े रहे थे, केवल उनकी समाज का वोट खिसक गया था। तब बहन जी ने कहा था कि अब हम राजनीतिक गठबंधन नहीं करेंगे, हम सामाजिक गठबंधन करेंगे, हम समाज में भाईचारा बनाएंगे और अपनी उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सरकार बनाएंगे। अगर आपने मजबूती के साथ गठबंधन कर लिया तो ये पाल, प्रजापति, कश्यप, जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, ठाकुर, ये सर समाज के लोग आपको गले से लगा लेंगे, क्योंकि भाजपा पूंजीपतियों की पार्टी है और 90% लोग मीडियम क्लास के लोग हैं, वो नहीं पसंद करते भाजपा को। आज दुकानदारों के पास भी चले जाओ तो वो भाजपा को गाली जरूर बकते हैं, कहते हैं किस पार्टी ने हमें जीएसटी के नाम से, हमें किसी के नाम से, नोटबंदी के नाम से जो हमें ठगा हुआ है, तो ये भाजपा की सरकार ने ठगा। अगर आपने, जब वो मजबूर हो जाते हैं कि बीजेपी के अगर तरफ जा रहे हैं तो मजबूर होकर अपना वोट दे देते। जिस दिन आपने मजबूती के साथ पीएसपी को पकड़ लिया, उस दिन वो भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि 2007 में 12 में सब साथ में सरकार बनी थी, तो आपने देखा था सर समाज के लोग बीएसपी के साथ थे कि नहीं थे, बताओ। जब सर समाज के लोग थे तभी तो बीजेपी की दुकान बंद हुई थी। अगर भाजपा की दुकान बंद करना चाहते हो, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तो आपको भाईचारा बनाना जरूरी है। अगर भाजपा को खत्म करना चाहते हो तो भाईचारा बनाना जरूरी है, सपा के बहकावे में नहीं। सपा तो जब अपना ही वोट नहीं ले पाती तो तुम्हारे वोट पे तुम्हें क्यों अपने वोट को देके बर्बाद करना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात सही है तो आप बता दो सही है कि गलत, बताओ आप। तो कितने लोग हमारी बात से सहमत है, जरा हाथ उठाओ, बिल्कुल सही। तो ये भाई हमारे, ये श्रीपाल जी हैं, ये बहुत गरीबी से निकल कर आए हैं, मैंने इनकी हिस्ट्री को देखा, बहुत गरीबी से निकल कर आए। ये बता रहे थे मुझे कि मैं छतों में छोटा छोटा काम करके, मेहनत मजदूरी करके मैं यहाँ तक ठेकेदारी करने आया हूँ। मैं एक बहुत गरीब मजलूम का बेटा हूँ, मैं गरीबी और मजलूमी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इनके कोई विरासत में धन्ना सेठ नहीं है, ये गरीब है। और मजलूम और गरीब की मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ आप लोग, क्यों बताओ, करना चाहिए नहीं करना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। तो मेरी बस आपसे गुजारिश है, अल्लाह का वास्ता, सर समाज से साथ साथ में मुसलमानों से गुजारिश करने आया हूं, आज ही से गुजारिश करने हूं, आज ही तो खुदा को पसंद। अगर मेरी बात जायज है तो यहां से भाई श्रीपाल जी को भारी बहुमत से जिताना, और जो यहां से सिंबल पे चुनाव लड़ रहे फिरोज भाई और धर्मेंद्र कुमार जी, इनको भी इतनी भारी बहुमत से जिताना, कहना अब हमें चेयरमैन भी बनाना है, क्योंकि आने वाला समय लोकसभा का है। ये जैसे ही चेयरमैन आप बनाओगे, आधा हौसला बीजेपी का कमजोर हो जाएगा। मैंने जो कहा, किसी को अगर मिटाना हो तो थोड़ा उसका हौसला कमजोर कर दो। अगर वाकई आप चाहते हो कि बीजेपी को मिटाने के लिए, तो आपको भाईचारा बनाना जरूरी है, और भाईचारा ही इस देश के लिए अमन चैन ला सकता है, भाईचारा ही इस देश के अंदर पैगाम दे सकता है अमन और चैन का। जो टीवी में हम कह रहे, ये टीवी में प्रिंट मीडिया पर राज करते हैं, हम सोशल मीडिया पर राज करके अपना काम कर ले। और जब इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं, अगर आपने मजबूती के साथ, यहाँ जब चुनाव होगा 11 तारीख को, हो सकता, मैं आपको पहले से कह दे रहा हूं, 11 तारीख को ये लोग प्रशासन का दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ये जहां बीएसपी का वोट बैंक होगा वहां लाठी चार्ज भी करा सकते हैं, जहां आप ताकत से वोट डालो ये पहले से उधम भी करा सकते हैं। लेकिन हमें सुबह पहले, सबसे पहले नंबर पर वोट डालना है, फिर
खाना खाना है, पहले वोट डालना फिर खाना खान पान करना है, और अपनी मजबूती से अपने पहचान पत्र लेके जाना है। अपने पहचान पत्र लेके जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, जो भी आपके पास लीगल आए, लीगल तौर पे अगर जो आपके पास कागजात है उनको लेकर जाओ, क्योंकि जब आप वोट डालने जाओगे हो सकता है आपको परेशान भी करेगी, आपका थोड़ा कम वोट डल जाए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अपने हर कागज को साथ में लेके जाना है जिसमें वो कहे ड्राइविंग लाइसेंस जेब पकड़ो। अगर कोई भी चीज हो आपके पास, आधार, पहचान, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी चीज हो, उसको दिखाने का काम करना जिसमें ये आपको दोबारा लौटा नहीं पाए, क्योंकि ये करेंगे, क्योंकि आज इनकी घबराहट दिख रही, क्योंकि आज जब बसपा के इनने होर्डिंग पूरे हटवाए, हर पोल से 300 होर्डिंग लगे, 200 होर्डिंग लगे थे, सारे होर्डिंग हटवा दिए, इसका मतलब इनको हार पहले से नजर आने, क्यों भाई जरा बताओ, हार पहले से नजर आने लगी। और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, केवल BSP ही नंबर वन, और BJP उसको खत्म करना चाहती है, तो क्या आप खत्म होने दोगे, क्यों भाई बताओ जरा, आप लोग खत्म होने दोगे? मजबूती के साथ लगे रहना, सर समाज के लोगों के अपील कर लेना, ये जितने लोग खड़े हैं मैं इनसे तो अपील कर रहा हूँ, लेकिन आपको शहर में जा जा के अपने हर समाज में अपील करना है। यहाँ इस मंच पे देख लो आप, इस मंच पर ब्राह्मण का बेटा भी है, दलित का बेटा भी है, पिछड़े समाज का बेटा भी है, मुस्लिम का भी बेटा है, सर समाज का अगर भाईचारा सही बन सकता है तो बहुजन समाज पार्टी बन सकता है, क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी के जो एक एक वर्कर है वो कोई एक फूल के लिए काम नहीं करता, वो माली के रूप में काम करता है, क्योंकि हर माली की जिम्मेदारी होती है कि हमारे बाग में हर किस्म का फल और फूल हो, और जिस बागान में फल और फूल होता हर किस्म का वो बाग हरा भरा दिखता है। ये BSP है, ये BSP की पहचान है। ऐ मेरे सर समाज के लोगों, मैं आपसे अपील करने आया हूँ, अगर अल्लाह के वास्ते मेरी बात सही है तो मेरा हौसला बढ़ा देना, यहाँ से भाई पुष्पा हमारी बहन है इसे जिता कर भेज देना, मैं आपका एहसान मानूंगा। और ये तो तुम्हारा एहसान मानेंगे, अगर कोई भी काम की बात आ जाए तो मेरा आपका कॉलर पकड़ लेना कि ये काम पकड़ो राई साहब, आप इनसे हमारी मदद कराओ। तो मुझे उम्मीद है, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं जिनको चाहूंगा वहां बुला लूंगा, मैं आपके काम करा सकता हूँ। ये बहुत साधारण आदमी है, शरीफ इंसान है, सीधे सच्चे इंसान है, इनसे बेहतर आपको नहीं मेरी उम्मीद में, क्योंकि मैं जिन दिन भर इंसानों के बीच में रहता हूँ मैंने इनकी शराफत को देखा, ये बहुत बहुत दानिशवर शरीफ इंसान है, इसलिए आप इनका और एक शरीफ और मजलूम की मदद करना ये आपकी भी जिम्मेदारी है। मैं इसी अपील के साथ अपनी बात को यहीं से खत्म करते हैं।